दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे Huawei के X65 मॉडल के बारे में जो लॉन्च हो चुकी है चाइना में एकदम गर्मा गर्म, तो उसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे Huawei ने X65 जो मॉडल है उनका, उसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया 65 इंच का। और बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, यहाँ पे प्राइसिंग रखी है 2,70,000 रुपये अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में। और ये एक OLED टीवी है, OLED टीवी के हिसाब से मुझे लगता है प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रखी है, प्राइसिंग से मैं एकदम कन्विंस नहीं हूँ Huawei की तरफ से। और अब यहाँ पे बात कर लेते इस टीवी के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया कि ये OLED टीवी है, तो यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जो ब्राइटनेस है, यहाँ पे 1000 निट्स की ब्राइटनेस निट्स आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको Huawei का जो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया है 75 वाट का साउंड आउटपुट इस टीवी में। और यहाँ पे जो स्पीकर्स लगाए गए अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग कैटेगरी में लगाए गए, तो यहाँ पे जो टोटल जो स्पीकर्स हैं यहाँ पे 14 स्पीकर लगे गए इसी टीवी में। और इसी के साथ साथ उसमें जो 6 मास्टर है, 6 ट्विटर है और जो 2 बच रहे हैं वो 2 बॉक्स स्पीकर्स इसी टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। और बात करें इस टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में लगाया गया Hongyo का 898 प्रोसेसर। और इसी के साथ साथ बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम को, तो यहाँ पे आपको 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और रैम भी काफ़ी अच्छा दिया गया इसी टीवी में, ऑब्वियसली इतना चार्ज करें तो आपको इतना रैम तो देना बनता है Huawei की तरफ से। पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको हाई डायनेमिक रेंज 10 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और बात करें इस टीवी के मेजर हाईलाइट के बारे में, तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इस टीवी की पॉपअप कैमरा। पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ, किसी लोग को नहीं पसंद आती, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने, पॉपअप कैमरा देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ जो मुझे दूसरी चीज टीवी की अच्छी लगी, यहाँ पे इसकी डिजाइन इसकी बहुत अच्छी है, एकदम थिन बीजल है, S2S बोलते हैं ना, स्क्रीन पूरा कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस टीवी में बीजल है या नहीं। तो यहाँ पे ये सब चीजें इसकी टीवी की बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरा आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन लगेगा कि ये टीवी मत दीजिए, मुझे प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, मतलब 2,70,000 रुपीज प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है Huawei की तरफ से। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये टीवी मत लीजिए। अगर आपको OLED टीवी लेने का प्लान करो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप LG की टीवी लीजिए। LG की टीवी इससे बोलते ना लाख गुना बेटर है, अगर आप पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करो तो। मेरे हिसाब से मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा आप LG की OLED टीवी लीजिए। और कोशिश करता हूं, अगर उसकी बाइंग लिंक मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कौन सी टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। इसी के साथ ही साथ कुछ सवाल, कोई सुझाव या कोई भी राय हो इस टीवी को लेके, या फिर कोई भी आपके मन में सवाल हो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों को जवाब दूँ। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में बहुत अच्छा लगता है कि आपके लाइक्स बोलते हैं ना एकदम मुझे खुश कर देते हैं। इसी के साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गैट फैमिली को, हमारे हैप्पी गैट चैनल को। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।